हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का पूरा जीवन असमंजस से भरा हुआ है। वो एक पहेली की तरह है जिसे हर कोई समझना तो चाहता है, लेकिन उनकी नादानियां कुछ समझ नहीं देती। आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलू को जो बहुत कम लोग जानते हैं। वो दौर किसी भी व्यक्ति के लिए दर्दनाक होता है जब उसके पिता की मृत्यु अचानक हो जाए। छोटी सी उम्र में उन्होंने पहले अपने दादी को खोया और फिर अपने पिता को। इस दौरान उन्हें सामान्य जीवन जीने में मुश्किल होती थी। राहुल गांधी का पूरा जीवन मृत्यु के भय और विशेष सुरक्षा के बीच गुजरा। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दौरान राहुल गांधी देहरादून के एक स्कूल में पढ़ते थे। हत्या के बाद सुरक्षा कर्मियों की वजह से उन्हें घर वापस बुला लिया गया। शुरुआती शिक्षा उनके घर पर ही हुई। एजुकेशन के लिए उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन एक साल कम्प्लीट करने के बाद वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। जब वो कॉलेज जाते थे तो उनके साथ कई बॉडीगार्ड भी जाते थे। इस चीज को देख के राहुल गांधी अपने आप में अनकंफर्टेबल रहते थे। गांधी परिवार के दुश्मनों की वजह से राहुल गांधी को अमेरिका में राहुल विंसी के नाम से भी जानते थे। साल तक कंपनी में काम करने के बाद 2004 में राहुल गांधी ने गांधी परिवार की विरासत को चुना। गांधी परिवार से नाता होने की वजह से राहुल बहुत जल्द पार्टी का चेहरा बन गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।